जवान का बस जो है वो कम होता चला जा रहा है क्या? लोग वेट कर करके अब थक चुके हैं और वो दूसरे रास्ते देख रहे हैं कि कौन सी इंटरेस्टिंग मूवी आती चली जा रही है। इसी सब बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और सबसे क्रिटिकल बात ये कि भाई साहब, ट्रेलर कब आएगा, टीजर कब आएगा, या कोई अनाउंसमेंट भी कब आएगी जवान की, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आज है 1st of May, 2nd of May को कुछ आने की उम्मीद थी, या फिर जो मैंने आपको बताया था कि 5th को कुछ आएगा, तो इनमें कुछ आने भी वाला है कि नहीं आने वाला है? जो फैंस हैं वो खासा नाराज हैं और कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है कि वो अल्टरनेट मूवीज जो हैं वो कौन कौन सी अच्छी हो सकती हैं, जिनका कंटेंट अच्छा है या अच्छी हो सकती है, उसके ऊपर रुझान दिख रहा है IMDb के ऊपर। IMDb कोई बहुत बढ़िया वेबसाइट नहीं है, हालांकि काफी सारे लोग उसको मिसयूज भी करते हैं, लेकिन द केरला स्टोरी को काफी ज्यादा मार्क्स मिले हैं। अगर आप जाओगे IMDb के ऊपर तो वहां पर ये वन ऑफ द टॉप रेटेड एंटिसिपेटेड मूवी बन चुकी है, अहेड ऑफ इवन जवान। तो अगर नेशनली इतना बड़ा क्रेज आ रहा है तो कोई रीजन होगा, लोग जानना चाहते होंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि अगर जवान के मेकर्स अभी भी कोई भी एसेट नहीं रिलीज करते, मान लीजिए और 10 दिन नहीं रिलीज करते, तो क्या हम ये मान लें कि मूवी थोड़ी सी डिले होने वाली है? क्या ये मान लें कि मेकर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट हो गए हैं? क्या हम ये मान लें कि रेड चिली जैसा प्रोडक्शन हाउस एक पोस्टर निकाल के एक और अलग लेवल की एक्साइटमेंट नहीं बना सकता? क्या वो अनश्योर हैं अपने रिलीज को लेकर? काफी सारे सवाल उठ जाते हैं और इसका आंसर कोई भी नहीं दे सकता सिवाय द प्रोडक्शन हाउस। इसलिए लोग शाहरुख खान से नहीं लेकिन प्रोडक्शन हाउस से खासा नाराज जरूर है। लेकिन प्रोडक्शन हाउस चला तो कौन रहा है? चला तो शाहरुख खान ही रहा है, और अगर वो चला रहा है तो कहीं ना कहीं नाराजगी फिर दोनों साइड से ही हो जाती है। तो अब ये नाराजगी का क्या करें, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि वी हैव टू बी पेशेंट, और जिस तरीके की ये मूवी है इसको बहुत ज्यादा प्रमोशन की जरूरत है नहीं। अगर 15 से 21 दिन यानी कि 3 हफ्ते पहले भी इसका प्रमोशन बहुत अच्छे तरीके से शुरू होता है, दोज डेज आर इनफ फॉर अ नेशनल रीच, बिकॉज इट इज शाहरुख खान, इट इज अटली हु इज मेकिंग इट। और जब शाहरुख खान अपनी आई पे आता है, ही इज अ ग्रेट मार्केटर, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। थोड़ा सा पेशेंट रहने की जरूरत है। आई थिंक हम इस जमाने में आजकल थोड़ा सा कम पेशेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा वो थांबा रखना पड़ेगा यहाँ पर, अदरवाइज एक जो अच्छी स्पिरिट है वो लूज आउट होती चली जाएगी। और बहुत से जो बॉट्स हैं और बहुत से जो नेगेटिव लोग हैं, बहुत से जो ऐसे बॉयकॉट ग्रुप्स हैं, उनको चांस मिल जाएगा एक और अच्छी मूवी को बुरा बोलने का। आपको क्या लगता है इस मैटर के ऊपर, ये बताइए। और दूसरा ये भी बताइए कि अगर आपने द केरला स्टोरी का अगर अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा? वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। उसको भी लेट डाउन करने के लिए लोग लगे हुए हैं कि फैक्चुअली कितनी करेक्ट है कि नहीं है, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी डिबेट चल रही है। तो वो कंट्रोवर्सी में आ चुकी है, जैसे द कश्मीर फाइल्स आई थी, और कश्मीर फाइल्स कंट्रोवर्सी में आने के बाद आपको पता ही है कि 350-400 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस कर लिया था उसने वर्ल्ड वाइड। तो क्या आपका क्या मानना है इन सब मैटर्स के ऊपर, कॉमेंट जरूर करना। और क्या आप भी मेरी तरह ही लोगों को एडवाइस दोगे कि नहीं दोगे कि थोड़ा सा पेशेंट हो जाओ? बड़ी चीज़ें जब आती हैं जल्दबाजी में जब आती हैं तो फिर खिचड़ी पक सकती है। थोड़ा सा पकने दो इसको ताकि स्वाद अच्छे से आए।